वेलकम टू माय चैनल तन्नू की रेसिपी। आज हम आपके साथ शेयर करने हैं बटाटा वड़ा, जो कि बहुत टेस्टी बनती है। इधर हमने 6 से 7 आलू लिए हैं मीडियम साइज़ की, और इनको ना हमने अच्छे से क्लीन कर लिया था, और अभी इनको ना हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। 2 से 3 सीटी आने पर बॉईल कर लेंगे। और इधर आलू हमारे अच्छे से बॉईल हो गए हैं, अभी प्लेट में हम निकाल लेते हैं इनको। और इधर हमने 5 से 7 हमने ग्रीन चिली लिए, इधर हमने लहसुन लिया है, इधर हमने अदरक लिया है थोड़ा सा, और इनको ना मिक्सी में हमने अच्छे से चला लिया था। इनका एकदम से दरदरा सा पेस्ट बना लिया था मसाले का। आलू को ना अच्छे से हमने इधर छील लिया था, और इनको ना फोड़ लेते हैं अभी, मैश कर लेंगे हाथ से। इधर देखो अच्छे से हमने मैश करके रख लिए हैं। अभी इधर हमने कढ़ाई लिए, कढ़ाई को गरम कर लिया है। 1 चम्मच ऑयल लिया है, ऑयल को हमने अच्छे से गरम कर लिया है। इधर 1 चम्मच जीरा लिया है, और जीरे को अच्छे से हम चटकने देंगे। इधर हमने 10 से 12 कड़ी लीव्स लिए, इनको भी हमने डाल दिया है। और इधर हमने जो मसाला बना के रखा था ना मिक्सी से, उसको भी इसमें डाल देंगे। और इसे मसाले को ना हमें अच्छे से पका लेना है, चला के मीडियम फ्लेम पे रखनी है गैस को, क्योंकि ये मसाले ना जल जाएंगे अदरक लहसुन, इसलिए थोड़े मीडियम फ्लेम पे गैस को रखना है। इधर हमने हल्दी पाउडर लिया है 1 चम्मच, और हल्दी को ना अच्छे से हमें पका लें। इसमें ज़्यादा मसाले की हमें ज़रूरत नहीं होती है, हल्दी को हमें अच्छे से पका लेना है। और इधर हमने 2 पिंच हींग लिए, इसको भी डाल दें, इससे एकदम डाइजेशन अच्छा हो जाता है और खाने में भी अच्छे लगते हैं बटाटा वड़ा। और इधर हमने सारे मसाले को अच्छे से पका लिया है, और इधर हमने आलू जो बॉयल करके रखे थे इनको भी इसमें डाल देते हैं, और एकदम से इनको हम फ्राई कर लेंगे। आलूओं को अभी मसाले में अच्छे से हम मिक्स कर देंगे इनको। और ये देखिए हमारी स्टफिंग ना बनके रेडी हो गई है, इसमें कलर भी कितना अच्छा है। इस तरीके से हमें स्टफिंग को बना के रेडी कर लेना है। और इधर हमने नमक लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ले सकते हो। इधर हमने फ्रेश हरा धनिया लिए बारीक कटा हुआ, इसको भी इसमें डाल देते हैं, वो भी हमें अच्छे से इसमें मिक्स कर देना है। और इधर हमने ठंडे होने के लिए इसको मसाले को छोड़ दिया है, ये ठंडे हो जाएंगे तो हाथ में पकड़ सकते हैं इनको, और इन्हें हम ठंडा होने के लिए इधर छोड़ देते हैं। एक बाउल ले लिया है इधर हमने, और इधर हमने 1.5 कप बेसन ले लिया है, कटोरी के हिसाब से देखो 1.5 कटोरी है बेसन भी। इधर हमने 1 चम्मच हल्दी लिया है, हल्दी पाउडर, और इसको भी हमें मिक्स कर देना है हल्दी को इसमें। इससे क्या होगा, कलर भी अच्छा आ जाएगा हमारे बटाटा वड़े में। और इधर हमने अजवाइन लिए 1 चम्मच, इसको ना हाथ से थोड़ा क्रश क्रश करके इस तरीके से हमें डालना है, इससे डाइजेशन अच्छा हो जाता है और खाने में भी अच्छे लगते हैं बेसन के साथ में। और इसको भी मिक्स कर देंगे। इधर हमने पानी डाल के अच्छे से इसका बैटर बना लेना है, इस तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे। और ये देखिए ये हमारा बैटर बन के रेडी हो गया। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कितनी अच्छी बनी हुई है। इधर हमने इधर साल्ट डाल देंगे हल्का सा, क्योंकि इधर हमने आलू में भी बैटर में डाला था, तो हल्का सा डालेंगे नमक। इधर उन नमक को भी हमने अच्छे से मिक्स कर दिया। इधर 2 पिंच हींग ली थी, इसको भी इसमें डाल देते हैं, और अच्छे से आलू हमारे अच्छे से ठंडे हो गए हैं। इधर देखो इस तरीके से हमारा एकदम पेस्ट ना ठंडा हो गया है। और इधर हम ना बॉल्स बना लेंगे, नींबू आकार की तरह हमें बॉल्स बना के रेडी कर लेनी है इस तरीके से। और एकदम से गीला नहीं हुआ है देखो, एकदम से आलू को ना पहले से रख दिया था, तो एकदम अच्छी बनी हुई है हमारी बॉल्स। इस तरीके से हमें सारी बॉल्स बना ली है, इधर रेडी कर लिए, पहले से बना के रेडी कर लेनी है। और अभी क्या करेंगे, जो हमने बॉल्स ली थी इसमें डिप कर लेंगे इस तरीके से। हमें सारी बॉल्स इस तरीके से अच्छे से डिप करेंगे, आप हाथ से भी डाल सकते हो, चम्मच की सहायता से भी डाल सकते हो। ऑयल हमने अच्छे से गरम कर लिया था, और इधर अभी ऑयल में डाल दिए सारे बटाटा वड़ा, जितना स्पेस हो कढ़ाई में उतने हम डाल सकते हैं। और इस तरीके से मीडियम फ्लेम पे गैस को रख के हमें सेक लेने हैं इस तरीके से। और ये देखिए हमारे सिक्के एकदम से रेडी हो गए, कितना अच्छा कलर आया है आप लोग देख के पता चल रहा होगा, कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये देखिए हमारे बटाटा बड़ा बन के रेडी हो गए, कितने अच्छे लग रहे हैं आप लोगों को देख के पता चल रहा। जैसा हमें मुंबई में मिलता है ना बटाटा बड़ा, उस तरीके से घर पे ही बनाओ, एकदम घर ऐसा ही टेस्ट आएगा। इतनी जल्दी झटपट से बन गए, आप लोगों ने देखा कितना झटपट से बन गए हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।